हाय ध्रुव, क्या तुम मुझे अपने साथ डांस करने के लिए नहीं कहोगे? What? You wanna dance with me? मेरे साथ डांस करना चाहती हो? मुझे और आर्यन को एक साथ डांस करते देखकर दुर्गा को बुरा तो लगना चाहिए। पहला बार तो खाली गया। तुम्हारा पति तुम्हारे पास वापस लेकर आए। डांस कम। अब मुझे मेरी डांस पार्टनर वापस मिल सकती है? नहीं ध्रुव, मैं थक चुकी हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। अब मेरे अगले वार के लिए सही मौका है। गॉड, मुस्कान तुम भी। रहने दो आर्यन, जरा सी चोट चोट है। I'm okay. I'm so sorry, दुर्गा। तुम और आर्यन डांस कर रहे थे। मुस्कान, डांस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तुम्हें क्लास ध्यान से पकड़ना चाहिए था। You also. मैं फर्स्ट एड किट लेकर आता हूँ। देखो ना, आर्यन भी। मुझे जरा सी चोट क्या लगी? कितना परेशान हो गया। तुम दोनों डांस कर रहे थे और आर्यन को अचानक तुम्हें छोड़कर मेरे पास नहीं आ जाना चाहिए था। ही इज नॉट टू मच एक्चुअली। वो मेरी काफी फिक्र करता है ना? डॉक्टर है ना, इसीलिए आर्यन से किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। और रही बात डांस की, ऐसे मौके तो जिंदगी में आते रहे आते रहेंगे। डोंट वरी। ऐसे मौके और ना आ पाए, इसलिए तो मैं ये कर रही हूँ। तुम भी बहुत चालाक हो दुर्गा, पर ये तो मेरा सिर्फ दूसरा ही वार था। मगर आज रात मेरा कोई ना कोई तीर तो निशाने पर लगेगा ही, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भैया ये है प्रभात और इनकी वाइफ मोना, और ये है मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी जी। नमस्ते। सो मिस्टर प्रभात, फाइनली मीट। बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। मुझे भी। और वैसे तो हम यहाँ खुशी से ही मिलने आए हैं। भाई बहुत चर्चे सुने उसके। कहाँ है वो? अरे भाई चर्चे सुने तभी तो पार्टी रखी गई है। करेक्ट। खुशी भाई, तुम्हें और कोई मिलना चाह रहा है?
क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे खुशी, तुम यहाँ? तुम्हारा ड्रिंक, तुम इसे बाहर छोड़ आई थी। थैंक यू। तुम चलो, मैं काम निपटा कर आती हूँ। नहीं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी थक सी गई हूँ। वो क्या है ना, पार्टी में जिससे मिलो तो मेरी तारीफ किए जा रहा है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, सब तुम्हारी तारीफ तो करेंगे ही। आर्यन के लिए तुमने इतना सब कुछ किया है, और दुर्गा तुमने भी तो आर्यन के लिए कुछ कम नहीं किया, तो फिर कोई तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? मैंने तो बस पत्नी होने का फर्ज निभाया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि तुम एक पत्नी हो, तुमने जो कुछ भी किया इसके लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। खुशी, असल में आर्यन की जिंदगी तुमने ही तो बचाई है ना। और दुर्गा, तुमने उसकी इज्जत, उसका नाम, ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा था कि आर्यन के नाम पर आज कोई आंच नहीं आई है। तुम्हारी वजह से तो त्रिपाठी और सावंत की गिरफ्तारी हो पाई है ना? हाँ, तो क्या हुआ? तो फिर होना ये चाहिए था कि आज हम दोनों को एक जैसा क्रेडिट मिलना चाहिए था। जितनी तारीफ मेरी हो रही है, उतनी ही तारीफ तुम्हारी भी होनी चाहिए। औरों की तो बात छोड़ो, तुम्हारे खुद के घर के लोगों को तुम्हारी कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए ना। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दुर्गा, तुम्हारी वही हालत हो गई है ना? मैं गलत तो नहीं कह रही ना? अरे छोड़ो ना खुशी, कोई मेरी तारीफ करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है? जिनको जानना है वो तो जानते ही है ना। अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई, मैंने सब कुछ सही वक्त पर सही कर दिया। दुर्गा, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। अरे तुम्हारी भी तारीफ होनी चाहिए, यू डिजर्व इट। मैं अभी अंकल आंटी से बात करती हूँ। खुशी, तुम क्या कर रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खास बड़ी बात नहीं है। दुर्गा, स्टॉप इट। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने जो कुछ किया उसकी किसी को भी परवाह नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं दुर्गा, बात को टालो मत, मुझे सच सच बताओ। खुशी, सच बात तो ये है कि जो मैंने किया है उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा, क्योंकि जो तुमने किया है उसके आगे सब कुछ फीका है। तो कोई तुम्हारी तारीफ करे उसमें गलत ही क्या है? हाँ, फिर भी दुर्गा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं किसी और के हिस्से की तारीफ भी लेती जा रही हूँ। अरे खुशी, रिलैक्स बाबा, पार्टी चल रही, कम लेट्स गो एंड एंजॉय। सो व्हाट, फिर कब मौका मिलेगा? यही तो मौका है, इससे पहले कि सब लोग तुम्हारी कोशिशों को भूल जाएं और तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट न मिले, तुम चलो मेरे साथ। अरे सच में खुशी, क्या हुआ दुर्गा? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। खुशी, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? हाँ, क्या हुआ खुशी? खुशी, क्या हुआ? आंटी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर मुझे पता होता कि मेरे यहाँ आने से किसी को कोई तकलीफ हो सकती है, तो मैं यहाँ आज बिल्कुल नहीं आती। किसी को तकलीफ? तुम्हारे आने से किसी प्रॉब्लम हुई है? कुछ बताओ खुशी, प्लीज साफ साफ बताओ। अब मैं आपसे क्या कहूँ, दुर्गा मुझे पसंद नहीं करती, ये मैं बहुत दिनों से देख रही थी, और उसमें शायद दुर्गा की कोई गलती नहीं है। वो भी क्या करे, जिसे देखो मेरी तारीफ किए जा रहा है, उसकी तो कोई बातें भी नहीं कर रहा। उसे शायद ऐसे लग रहा है जैसे उसके हिस्से की भी सारी तारीफ मैं ही ले रही हूँ। क्या दुर्गा ने तुमसे कुछ कहा?
बोलो खुशी, दुर्गा ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, कहा तो है, मगर हो सकता है कि उसके कहने का मतलब वो ना हो। दुर्गा जिन नजरों से देख रही है ना, उनमें मुझे गुस्सा दिखाई दे रहा है, जैसे मैं उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं जानती हूँ, मगर आंटी मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैंने जो भी किया आर्यन की मदद करने के लिए किया, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ आर्यन की मदद करनी चाहिए थी। हाँ खुशी, तुम्हारा ऐसा कोई इरादा क्यों होगा? तुमने जो कुछ भी किया हमारे अच्छे के लिए किया, आर्यन की जिंदगी के लिए किया। मैं दुर्गा से बात करती हूँ, जरूर कोई गलत फहमी हुई। दुर्गा, दुर्गा, खुशी अभी भी मुझे बता रही थी कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। उसने आर्यन के लिए जो जो किया है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या ये सच है दुर्गा? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। खुशी ने जो कहा मैं वही महसूस कर रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ दुर्गा, तुम अच्छी तरह से जानती हो खुशी ने हमारे लिए जो भी किया है उसका हमारे लिए कितना महत्व है। हाँ, जानती हूँ, खुशी ने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। देखा खुशी, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब यही सोच रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया खुशी ने किया, इसीलिए तो सब खुशी से मिलने आ रहे हैं, उसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज की पार्टी की गेस्ट ऑफ ऑनर भी तो खुशी ही है। मैंने क्या किया? मैंने तो बस वही किया जो मुझसे उम्मीद की गई थी। उनका ये तुम क्या कह रही हो? नहीं आर्यन, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, ये सच है, मैंने खुशी से कहा था कि मैंने जो किया उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि जो खुशी ने किया उसके आगे जो मैंने किया वो कुछ नहीं है। दुर्गा चुप हो जा, प्लीज जस्ट कीप क्वाइट, चलो यहाँ से। नहीं, मैं क्यों चुप हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ खुशी ने किया। स्टार ऑफ द शो खुशी। दुर्गा चलो यहाँ से। नहीं आर्यन, नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। पहला नहीं, दूसरा नहीं, मगर मेरा आखिरी वार पूरा निशाने पर लगा है। ये तो शुरुआत है तुम्हारे पतन की, तुम्हारे और आर्यन के रिश्ते के अंत की शुरुआत हो गई है, तुम्हारी शादी का अंत होने वाला है। मेरे आर्यन के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म ही समझो। खुशी ने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। खुशी गेस्ट ऑफ ऑनर। अरे खुशी ओके खुशी दी बेस्ट, उसने सब कुछ किया। मैंने अरे खुशी इज द बेस्ट। ओके दुर्गा, गेस्ट ऑफ ऑनर कुछ नहीं किया मैंने, ट्रिप
बाटी सालन किसने पकड़ा? मैंने। मगर खुशी खुशी से मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया खुशी ने किया। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे